हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो केदारनाथ यात्रा सक्सेसफुली मेरा कंप्लीट हो गया है। ये कहूँ तो मैं एक तरह से मेरा एक ड्रीम था जो कि भोले बाबा के आशीर्वाद से और आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट से ये संभव हो पाया कि मुझे केदारनाथ यात्रा में दिवाली सेलिब्रेट करना था और साथ ही मुझे क्लोजिंग सेरेमनी का साक्षी बनना था, जो इस साल पूरा हो पाया मेरा। और साथ ही एक और मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई कि इस साल की जो केदारनाथ यात्रा थी वो मैं बाइक लेकर गया था। ये भी मेरा एक सपना पूरा हो गया कि बाइक राइड करके मैं जोधपुर से केदारनाथ यात्रा करके आऊँ। तो मेरी जो पूरी ये यात्रा रही है जो कि पूरी बाइक राइड से ही हुआ था, तो मैं मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि जो मुझे परेशानियाँ हुई वो आप लोगों को ना हो। कल को अगर आप बाइक राइड करके प्लान करना चाहो तो आप लोगों को कुछ हेल्प मिल सके इस वीडियो से, जिसमें हम बात करेंगे आइटनरीज को लेके, कितना फ्यूल लगा, रास्ते कैसे थे और सबसे इम्पोर्टेंट कि पैसा कितना लगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आइटनरी को लेके कि जो पूरा जो मेरी यात्रा रही थी तो मैंने कैसे प्लान किया था, मेरा डे वाइज आइटनरी कैसे था। तो मेरा जो आइटनरी जो मैंने प्लान किया था, तो डे वन हमारा स्टार्ट होता था जोधपुर से, जो कि 21 को मैंने स्टार्ट किया था। तो 21 को जोधपुर से ऋषिकेश, 22 को ऋषिकेश से हमें चौपटा जाना था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बीच में 25 तारीख का ग्रहण था तो उसकी वजह से क्लोजिंग सेरेमनी थोड़ी आगे एक दिन पोस्टपोन हो गई थी। तो थोड़ा प्लान में हमने भी चेंजेस कर दिया। तो 22 को ऋषिकेश से चौपटा, 23 को हम चौपटा ट्रैक करके हम आगे सफ़र करना था सीतापुर तक, और 24 को केदारनाथ का ट्रैक जो कि दिवाली का डे था, 25 भी वहीं, 26 भी वहीं, 27 को डोली के साथ हमें नीचे आना था और सीतापुर नाइट स्टे था, और 28 को हम वापस बैक टू ऋषिकेश एंड आगे मुझे वापस जोधपुर आना था। ये तो था जो मैंने प्लान किया था। बट एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में ये हुआ कि 21 को मैं जोधपुर से निकला बट ऋषिकेश नहीं पहुंच पाए, हम पहुंच पाए मोदीनगर। और ये हुआ गलत रूट पकड़ने से, हालांकि गलत रूट नहीं था। जोधपुर से हरिद्वार जाना है तो यहाँ से दो रूट दिखाता है। एक रूट तो दिखाता है जयपुर और गुड़गांव होते हुए सीधा हरिद्वार और मेरठ होते हुए, और दूसरा यहाँ से दिखाता था सीकर झुंझुनू भिवानी होते हुए सीधा ऋषिकेश को। मैंने जो रास्ता चूज़ किया था वो जयपुर वाला चूज़ किया था, जो कि बहुत ट्रैफिक मिला हमें, हम टाइम पर पहुंच ही नहीं पाए। एज़ पर माई कैलकुलेशन हमें रात को 9 या 10 बजे ऋषिकेश पहुंचना था, तो अगर सीकर वाला रास्ता हम लेते तो पहुंच जाते। उसकी वजह से रात को 2 बजे तक मैं राइड करता रहा और एंड हमें मोदीनगर में रुकना ही पड़ा। तो नेक्स्ट डे हम फिर चौपटा पहुँचे, वो भी लेट हो गया हमें। उसके बाद का जो शेड्यूल था वो बिल्कुल हमारा प्लान से ही चलता रहा, क्योंकि 2 नाइट मैंने थोड़ा लेट नाइट राइड करके उसको कवरअप किया, जबकि ये रिकमेंड नहीं है, रात को राइड नहीं करना चाहिए। अब तो मैंने कसम खा ली रात को राइड करूंगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए। तो ये रहा मेरा जो एक्चुअल प्लान था, ये भी मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। आइटनरी के बाद में अपन बात कर लेते हैं एक्सपेंस को लेके। तो जब बाइक राइड करते हैं तो सबसे बड़ा जो एक्सपेंस होता है वो होता है फ्यूल का, पेट्रोल का। तो इस पूरी राइड में जोधपुर से चौपटा, चौपटा से वापस केदारनाथ, केदारनाथ से वापस सीकर होते हुए जोधपुर, इसमें जो टोटल फ्यूल मैंने 8,300 रुपये का डलवाया है, जिसमें हम दो लोग थे। अगर मैं दो लोगों में इसका डिवाइड कर दूं तो 4,150 रुपये इसका बनता है। तो फ्यूल को लेके मेरे 4,150 रुपये मैं काउंट कर लेता हूं। फ्यूल के बाद में जो हमारा एक्सपेंस हुआ था वो हमारा होटल एंड फूड का ही हुआ था। सबसे पहले मेरा जो नाइट स्टे था वो था मेरा मोदीनगर में, तो वहाँ पर 1,000 रुपये लगे मेरे। और दूसरा जो मेरा स्टे था वो था चौपटा के अंदर, तो चौपटा में जो टेंट कैंपिंग जो हम बरजी के वहाँ करते हैं, तो वहाँ का 1,000 रुपये हमने दिया, जिसके अंदर फूड इंक्लूड था, ब्रेकफास्ट एंड डिनर मोदीनगर में इंक्लूड नहीं था। नेक्स्ट डे हम टुंगनाथ महादेव के दर्शन करके हम आगे सीतापुर, तो सीतापुर के अंदर 600 रुपये लगा मेरा पर पर्सन, और उसमें फूड इंक्लूड नहीं है। उसके बाद आता है जो यहाँ पर मोटा खर्चा होगा वो होता है केदारनाथ के अंदर। तो केदारनाथ के अंदर रूम का मेरा लगा 2,000 रुपये पर पर्सन, तो 3 नाइट हम वहाँ पर रुके थे, तो 6,000 रुपये सीधा वहीं पर खर्चा हो गया, जिसमें फूड अलग है, फूड वो इंक्लूड नहीं करते। नेक्स्ट जब वापस आए हम 27 को, अगेन सीतापुर के अंदर हमारा नाइट स्टे था, तो 600 रुपये वहाँ पर और लग गए। फिर जब वापस हरिद्वार आए तो हरिद्वार के अंदर 700 प्लस फूड को मिला के 1,000 रुपीज़ मैंने वहाँ पर दिया था। उसके बाद में जब वापसी में आते टाइम, जाते टाइम जैसे मोदीनगर रुका था, वापसी में आते टाइम मैं सीकर में रुका था, एक मिडवे लिया था, नवीन भाई से भी मिलना था, तो वहाँ पर मैंने 1,000 रुपये दिया था विथ फूड। तो ये जो टोटल हो रहा है सारा, ये हो रहा है 11,200 रुपये। उसके अलावा अब बीच में रास्ते में हम खाते पीते चलते, चाहे केदारनाथ का ट्रैक किया हो, चाहे दूसरा बाइक राइड करते टाइम भी रास्ते में खाते पीते हैं,
कुछ होटलों में हमने ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड नहीं था, ये सारा मिला ले भी तो 2000 रुपये से ज़्यादा एक्सपेंस हमारा उसमें नहीं हुआ था। तो टोटल जो मेरा एक्सपेंस हुआ है बाइक राइडिंग में, तो ये टोटल 17,300 रुपये समथिंग का मेरा एक्सपेंस आया है, जिसके अंदर मैंने केदारनाथ और तुंगनाथ यात्रा दोनों किया था और केदारनाथ में 3 नाइट रुका था और बाइक राइड करके गया था। तो मोटा एक्सपेंस मेरा केदारनाथ में आ गया, 6,000 रुपये तो सीधे मेरे वहीं लग गए होटल का और बाइक राइड का, 4,000 रुपये पेट्रोल का, तो ओवरऑल मेरा इतना खर्चा आया है। आप भी नेक्स्ट ईयर बाइक राइड करके जाना चाहते हो तो अगर कोई जोधपुर या राजस्थान से जा रहा है, जोधपुर एरिया से, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप सीकर झुंझुनू भिवानी वाला रास्ते से ही जाना, ये रास्ता भी सही बना हुआ है और दूसरा इस पर ट्रैफिक बहुत कम होता है। जयपुर वाले हाईवे पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो वहाँ पर एक दिन में पहुँच नहीं सकते किसी भी सूरत में, सीकर झुंझुनू वाले से आप एक दिन में पहुंच जाओगे। और दूसरा, जब भी आप राइड प्लान करो तो जो इम्पोर्टेंट सामान है साथ रखना, जैसे मैं मेरी हिमालयन लेके गया था तो इसका एक्स्ट्रा ऑयल मैं साथ लेके गया था, इसका जो एक्सेलेटर का एक्स्ट्रा जो वायर होता था मैं वो भी साथ लेके गया और क्लच वायर भी साथ लेके गया था एक्स्ट्रा, ये इम्पोर्टेंट होता है। रास्ते में कई बार गिर जाते हैं, अपन जानबूझ के नहीं गिरते, कई बार हो जाता है बाइक खड़े खड़े गिर जाए या मतलब कुछ भी हो सकता है, अगर गिर जाए तो टूट जाए तो वहाँ पर दिक्कत हो जाती है, तो ये साथ होना ज़रूरी है, तो ये मैंने साथ रखा था। उसके बाद में अगर आपके गाड़ी के ट्यूबलेस टायर नहीं है तो एक सीलन आता है, तो वो सीलन उसके अंदर डालना होता है, मैंने अभी तक डाला नहीं है बट मुझे वो डालना है ताकि उसकी वजह से एकदम से हवा ना निकले और वो ऑटोमेटिकली उसको पंचर को रिपेयर कर लेता है। आई थिंक 500-600 रुपये की एक बॉटल आती है, वो मुझे ला के डालनी है क्योंकि हिमालयन के जो टायर हैं वो ट्यूबलेस नहीं है। और लगेज जितना हो सके कम कैरी करना क्योंकि गाड़ी लोड होने के बाद में कंट्रोल बड़ी मुश्किल से होती है। राइड पे जा रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट बातें अपने को याद रखनी जरूरी है, चाहे किसी भी राइड पे अपन जा रहे हो। ये मेरे लिए भी एक लर्निंग था क्योंकि 2,500 किलोमीटर का ये पहला राइड मैंने इतना लंबा किया था जो कि 6-7 दिन मैं बाहर रहा था। ये एक्सपीरियंस मुझे काम आएगा जब मैं आगे स्पीति वैली और लेह लद्दाख करूँगा, तो वहाँ पर अकेले ही करना है तो बिल्कुल ये एक्सपीरियंस काम आएगा। आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो बताना, साथ चलेंगे, किसी कंपनी को ज्वाइन नहीं करूँगा मैं, अकेले से ही करूँगा, उसमें पूरा एडवेंचर करेंगे, अपना टेंट वगैरह साथ लेके चलेंगे, अपना ही खाना पीना, मज़ा आएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।